हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह जा रही हूँ मैं अभी सैलून पे, क्योंकि आज है ब्राइडल मेकअप और आज एकदम मौसम अलग ही टाइप का हो गया है। 7 बजे बहुत, यानी धूप आ रही है, हवा चल रही है और ठंड गायब हो गई है। बहुत ही अलग टाइप का मौसम हो गया है। मेरे को क्यों सुबह सुबह गर्मी लग रही है इतनी। अचानक से थोड़ी थोड़ी बारिश आनी चालू हो गई है और बादल देख रहे हो आप, कितने अलग टाइप के हो रहे हैं एकदम। और यहाँ से तो धूप निकल रही है, अलग ही मौसम है गर्मी। और मेरे को तो सेम गर्मी लग रही है, मेरे को पसीना हो रहा है। बारिश आ रही है, कैसे होगा, बारिश आ रही है, बादल छा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, मन में सोच रहे हो करे करे। You said that you needed me like a cargo, you were carrying me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. आपको मेकअप बहुत बढ़िया लग रहा है। Too much of emotions, sometimes I'm the lighting, don't wanna pick a fight with it. मेकअप हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर पर। चिकू तो क्या नहा रहे थे, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आ पाएंगे, सो मुझे डायरेक्टली जाना पड़ेगा। और ब्राइड तो कंप्लीट रेडी हो गई है, अब इनको लेने के लिए इनके घर से आने वाले हैं। सो जब तक ये वेट कर रहे हैं, तब तक अपन भी वेट कर लेते हैं और फिर मैं चलती आज निकल जाऊँगी। घर पर आ गए थे, फिर चिकू की हुई थी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, तो आज चिकू का डोटी गोरा खिसक गया था। आर यू, वो खिसक गया था तो वो सही करवाने के लिए गए थे, तो काफ़ी लेट हो गए। और घर पे आकर खाना वगैरह सब बनाया, 2 अभी बज गई हैं। सैलून पे अब जा रही हूँ वापस से और शाम का भी मेकअप है, तो जल्दी से पहुँचते हैं। नहीं, बड़ा करने के लिए मना बोला है, पर बड़ा तो भी हो रहा है तुमको। अभी यहाँ से गाड़ी कूदेगी नहीं, पता कल हमारों का अच्छू मार मोड़ा थी। तुम टोपी पहनो, हवा है, कान में हवा जाती है, पर्दे में दर्द होता है, पर्दे में। शॉप पर आ गए और शॉप पर आने के बाद एक बड़ा ऑर्डर आया है, जो कि आया है होटल से। पूरा पार्सल है जो पैक हो गया है, अभी ये बड़ा ऑर्डर आया था जो कि होटल जा रहा है। ये सारा हमने अभी डिस्पैच करने के लिए निकाल दिया है और अभी इसको पैक करके डिस्पैच करेंगे। और आपको भी अगर ऑफ़र के बारे में जानना है तो शॉप करो पर आकर विज़िट करें। मामाअर्थ का पूरा प्रोडक्ट है जो कि होटल जा रहा है। अभी आपने देखा ही होगा, 3 दिन से भाई जी आ नहीं रहे, तो बहुत सारी मिट्टी हो गई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी झाड़ू लगाया है, पीछे लगाना बाकी, आगे आगे लगा दिया। और मेरे लिए आ गई है मेरी रिंग लाइट और ये यहाँ पर सेटअप हो रही है। अच्छी लग रही है, मस्त है, सही है ना, नाइस नाइस है। थंबनेल हो गया। पहले हमारे सैलून में था लगा हुआ है फ्रेशनर रोमांस
एडिसेंट का, और अभी मैंने परचेज़ किया है लेवेंडर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसमें हमने चिकू के साथ करवा दिया है, सेटअप करवा दिया है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा नहीं आता है करने के लिए, इसलिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी पैकेजिंग है। और साथ ही में हम इसको लॉक कर देंगे और ये ऐसे करके फिस फिस होता है। हमारे मशीन के सेल चेंज हो गए और अब इसको कर रहे हैं टेस्ट। एक स्प्रे इसका आ गया है बहुत ही खुशबू भरा, तो इसको ऐसे कैसे ले जाते हैं सलून में रख देते हैं, सलून में अच्छी अच्छी खुशबू से ये सलून को महकाएगा। अभी जस्ट हुए हैं फ्री और अभी बज गई है 7:30 और अब जा रहे हैं घर पे। ज्योति भी यहीं पर है, ज्योति को भी अब घर पे ड्रॉप करेंगे और ऐसा कैसा मैसी रख के जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग वापस से आना शॉप पर। तो वैसे कल संडे है, वीकेंड कर्फ्यू है, बट हमारा तो काम ऑन ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए घर पे। तो है गाइस, आ गई हूँ मैं घर पर, और घर पर आने के बाद, घर पर आने से पहले ही हमने पनीर चिल्ली की तैयारी कर दी थी, जो भी परचेजिंग करनी थी वो सारी हम करके आके थे। तो ये सारा हमारा बिखेरा जो कि पनीर चिल्ली के लिए हुआ है, और साथ साथ में पनीर चिल्ली बन रही है, उधर पनीर फ्राई होके जा रहे हैं, और ये हमारे शेफ साहब थोड़ी हेल्प भी कर रहे हैं और साथ साथ में पनीर को तल रहे हैं, और साथ साथ में एक एक पनीर की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, हर एक अच्छे से तला है कि नहीं तला है, इसलिए आपको प्लेट में कम दिख रहे हैं। तो बस ये साथ ही साथ पनीर चिली बन रही है, आधी तैयारी होगी, जैसे ही बनती है मैं बताती हूँ। सॉस तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ी बैठाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ से प्राप्त होता है सारे सॉसेस वगैरह। अभी विनेगर में मेरे हाथ से सॉस गिर गया, पहले से ही कमी थी और सॉस उसी में गिर गया, पर कोई बात नहीं, निकाल देंगे। सॉस हम है ना ला भी नहीं सकते हैं बाहर से, क्योंकि बाहर लॉकडाउन हो गया 8 बजे के बाद, 9 के वहाँ से मंगाती हूँ, ऐसे कुछ सेटिंग करके सॉस तो बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट कम हो जाएगा पनीर चिली का। एक ट्रिप पनीर चिली की हो गई है, ये मम्मी पापा के लिए ले जाते हैं। मैं मेरी पनीर चिली लेके तो अब बैठ गई हूँ, थक भी गए क्योंकि कुछ वैरायटी बनाते थक भी जाते, और आज बैक टू बैक मेकअप थे इसलिए, और मैं मेरा कर लेती हूँ डिनर। आज डिनर में कल ही चिकू ने डिसाइड किया था कि हफ्ते में कुछ 2 दिन स्पेशल बनाएंगे, हालांकि कुछ ना कुछ ओरिजिनल अच्छा ही हो जाता है, पर कुछ स्पेशल जो मन को भाए और पेट को भी भाए, तो पेट को भाए मन को भाए बना दी है पनीर चिल्ली, खा लेती हूँ। थोड़ी खांसी है तो हल्दी का दूध आज भी बना दिया है, तो पी लेती हूँ और यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।